राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। वे गुरुवार को नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, यह स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहाँ के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। विदेशी वहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है, यहीं भारत में। भागवत ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर बुरी नज़र दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम भूल रहे हैं कि हम एक देश के हैं। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे और हमारे उनके साथ युद्ध हुए थे, लेकिन बाहर वाले तो चले गए, अब तो सब भीतर हैं। फिर भी वे लोग बाहरी लोगों के प्रभाव में हैं। हमें समझना होगा कि वे हमारे लोग हैं। अगर उनकी सोच में कोई कमी है तो उसमें सुधार हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।